हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट एंड ब्लूम्स। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये एक इंग्लिश रोज़ का प्लांट है और आप ये ना ऑलमोस्ट गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा झड़ गया था, ज़्यादा क्या ये पूरा ही ख़राब हो गया था। और अभी ये टेरेस पे है और अभी आप देख सकते हैं बारिश हुई है, काफ़ी अच्छे से इसमें बारिश का पानी भरा हुआ है। सो गाइज़, एक बात बता दूँ, आप सोच रहे होंगे ये पानी इतना ज़्यादा क्यों भरा हुआ है। अभी जस्ट बारिश फिनिश हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है और बंद हुई है तभी मैं ऊपर आई हूँ। और अभी ये धीरे धीरे अपने आप पानी निकल जाएगा। देखिए, जो बारिश का पानी होता है वो बिल्कुल फर्टिलाइज़र होता है प्लांट के लिए। आप देखिए इस प्लांट की क्या हालत थी और अभी देखिए नए नए शूट्स आ रहे हैं इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, फोकस कर देती हूँ, ये देखिए नए नए शूट्स आ रहे हैं इसमें। क्यों? क्योंकि बारिश के पानी की वजह से। तो बारिश का पानी प्लांट्स के लिए अपने आप में एक फर्टिलाइज़र है गाइस, बहुत अच्छा। और अभी आप ये देखिए, और अभी आप ये देखिए इसमें नए नए शूट्स आ रहे हैं और ये नई लीव, बहुत खूबसूरत। सो फ्रेंड्स, डोंट वरी, अगर आप सोच रहे हो कि पानी ऐसा क्यों है, वो अपने आप ड्रेन आउट हो जाएगा। बस ध्यान रखिए कि आप अपने जो पॉट का जो ड्रेनेज होल है वो अच्छा रखें, जिससे कि पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाए। तो मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए रोज़ में कितने खूबसूरत लग रही हैं इनकी पत्तियाँ, बारिश में बिल्कुल बूंदे ऐसी लग रही हैं जैसे मोती। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत है। और इसमें मैं आपको ग्रोथ भी दिखाती हूँ, ये देखिए ग्रोथ इसकी और इसके साथ बर्ड्स भी। मौसम काफ़ी अच्छा है गुलाब के प्लांट के लिए। आप ये अभी बेस्ट सीज़न है, बेस्ट मौसम है, आप अपना गुलाब का प्लांट लगाइए, लाइए और आराम से लगाइए। ये देखिए गाइस, ये नई नई शूट्स आ रही हैं, ये तो भी बहुत अच्छा सीज़न है गाइस। और सिर्फ गुलाब के लिए नहीं, किसी भी प्लांट के लिए बहुत अच्छा सीज़न है। आप प्लांट लाइए और लगाइए, क्योंकि इस सीज़न में जो प्लांट नहीं रुकता भी होगा, मतलब कई बार होता है कि समर्स में प्लांट्स नहीं रुकते हैं, तो उसमें भी ये एक ऐसा सीज़न है जिसमें प्लांट आपके बहुत अच्छे से लगेंगे। और ये देखिए फ्लावर्स अलमांडा में, तो ये मैं दिखा रही थी आपको, ये इंग्लिश रोज़ है गाइस। ये देखिए, ये ग्राफ्ट किया हुआ है, ये एक इंग्लिश रोज़ है। थोड़ा सा पानी इसमें मैं कर देती हूँ जिससे कि आपको भी, ये देखिए गाइस, ये ग्राफ्ट किया हुआ है, ये इंग्लिश रोज़ है। और गर्मी की वजह से ये पूरा झड़ गया था और अभी इसमें से लीव्स आ रही हैं बारिश के पानी पड़ कर के। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्लांट अगर ऐसे मर रहा हो या आपने कोई कटिंग लगा रखी हो, तो आप ऐसे रेनी सीज़न में लगाइए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से चलेंगे। और देखिए इसकी ग्रोथ देखिए गाइस, तो देख के ऐसा लग रहा था कि ये प्लांट बस जा ही चुका है, मर चुका है, बट अभी देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। बाकी मैं अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को जैसे जैसे ग्रो होगा। एंड फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत सा लेंटाना का प्लांट, ये भी इसकी भी लीव्स थोड़ी अजीब सी हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको ला कर के ऊपर धर दिया, जिससे कि इसको अच्छे से बारिश का पानी मिल सके। और अभी देखिए आप फ्लावर्स, और ये येलो वाला लेंटाना है, उस दिन मैंने ये लगाया था बारिश के मौसम में ही। और वो बहुत एक छोटा सा वीडियो है गाइस, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। उस दिन ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं दिखा पाई थी। तो जैसे कि मैंने बोला, बेस्ट सीज़न है प्लांट लगाने का। और भी देखिए इसकी हर एक टिप पे, देखिए धूप भी नहीं आ रही है, सिर्फ बारिश हो रही है, और फिर भी देखिए इसकी हर एक टिप पे ये फ्लावर्स आ रहे हैं गाइस। ये देखिए गाइस, तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, बेस्ट सीज़न है अभी प्लांट लगाने का, आप प्लांट्स लगाएंगे। और देखिए गाइस, ये मेरा दूसरा गुलाब का प्लांट, ये भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हो रखा था, बट अभी देखिए इसमें आशा की किरणें जागी हैं।
जैसे कि मैंने कहा, बारिश का पानी फर्टिलाइज़र है आपके पौधों के लिए। तो लेट्स सी, इसमें भी ग्रोथ दिख रही है। तो सोचा बारिश के मौसम में आपको ये मैं अपडेट दूं। गाइस, आज इस लेंटाना की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे लगा कि ये नहीं रहेगा अभी, बट मैं इसको ऊपर ले आई टेरेस पे। और भी देखिए, बारिश का पानी पौधों के लिए एक वरदान है गाइस। और ये देखिए तुलसी कितनी खूबसूरत लग रही है। पिंचिंग ज़रूर कीजिएगा गाइस। देखिए अभी इसको पिंचिंग की रिक्वायरमेंट है। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे पिंचिंग करी थी इसकी, और ये देखिए दो शूट्स अलग से निकल रही हैं। जितना ज़्यादा पिंचिंग उतना ज़्यादा बुशी रहेगा आपका प्लांट गाइस, जिस तरीके से। सो फ्रेंड्स, बस मैंने सोचा आपको ये एक छोटा सा वीडियो शेयर करूं प्लांट के ऊपर। तो यही मैं आपको ग्रोथ दिखा रही थी प्लांट्स की। बाकी ये बोगनवेलिया भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। ये कटिंग लगाई हुई है गाइस सेंसिवेरिया की, स्नेक प्लांट की। बाकी गाइस, गुलाब लगाइए आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इस मौसम में गुलाब बहुत अच्छे से लगेंगे, और लगाने के बाद आपको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या कीजिए, चाहे आप इंग्लिश लगाएं चाहे देसी। देखिए ये इंग्लिश रोज़ है, ये ग्राफ्ट किया हुआ है, और ये मेरे दोनों देसी हैं, ये वाला और ये वाला। तो फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है अभी प्लांट्स में, आप इस तरीके से लगाएं, क्योंकि बारिश का पानी खुद फर्टिलाइज़र का काम करेगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड आज के लिए, फिर मिलूंगी आपसे नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी ऐसी वीडियोस मैं लाती रहूँगी आपके लिए। बाय बाय गाइस, हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी मॉनसून।